नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। अगर 3 महीने में सरकारी और निजी सिस्टम से भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर दिया तो 4वें महीने मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा और कभी राजनीति नहीं करूंगा। यह ऐलान जो है वो पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव ने कर दिया है। बता दें आपको कि बिहार में लोकसभा चुनाव होने वाला है और इस चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार रैली हो रहा है। रैली में प्रधानमंत्री अपने उम्मीदवारों के जीत के लिए अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में हौसले भर रहे हैं, चुनावी तपिस को भी उन्होंने बढ़ा दिया है। इस बीच गया के बाद नरेंद्र मोदी ने कल पूर्णिया में रैली की, जिस दौरान उन्होंने पूर्णिया से एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को जीत दिलाने का दावा किया। इस बीच मंगलवार को जब उनकी रैली हो रही थी, इस क्रम में पप्पू यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे और इस बीच उन्होंने यह ऐलान किया है कि अगर 3 महीने में सरकारी और निजी सिस्टम से अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं करते हैं तो 4वें महीने हम इस्तीफा दे देंगे और फिर कभी राजनीति नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि अगर मौका मिला तो पूर्णिया में सबसे बड़ा अस्पताल बनवाएंगे जिसमें निजी अस्पतालों से ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री की सभा के बाद उनके भाषण पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार विशेष राज्य का दर्जा देने पर कोई बात क्यों नहीं करते हैं, सीमांचल में उन्हें बहुत सारी बातों के लिए त्रासदी है और उनसे मुक्ति दिलाने की चर्चा आखिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में लगातार फैक्ट्रियाँ क्यों बंद हो रही हैं, इस पर किसी को ध्यान आखिर क्यों नहीं आता है। जो उद्योग धंधे बंद हो गए उन्हें दोबारा से चालू कराने की चर्चा भी नहीं होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आए, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही लेकिन इन जरूरी मुद्दों पर उन्होंने कोई बात नहीं की, ना कि बात करने की ज़रूरत समझी। इसके साथ पप्पू यादव ने कहा कि पप्पू यादव पूर्णिया का बेटा है, यहाँ के हर दुख दर्द को समझता है। यह बेटा सीमांचल के लोगों की भलाई के लिए दिन रात मेहनत में लगा रहता है। अगर मौका मिले तो पूर्णिया में दुनिया का सबसे नंबर 1 अस्पताल बनवाया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में निजी नर्सिंग होम से भी बेहतर और ज्यादा सुविधाएं होंगी। पूर्णिया में अब सड़क, बिजली, पानी जैसी बेसिक जरूरतों को लेकर कोई समस्या नहीं रहेगी। बताते चले कि पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी समेत कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन बाद में लालू यादव के आदेश पर पूर्णिया का टिकट जदयू से राजद में आई बीमा भारती को दे दिया गया। इसके बाद पप्पू यादव ने मजबूरन निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और नामांकन भी दाखिल करा लिया। तो बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव होने वाला है और पूर्णिया को लेकर चर्चा काफी तेज है। पप्पू यादव ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर 3 महीने के अंदर वो भ्रष्टाचार को पूर्णिया से खत्म नहीं करते हैं तो 4वें महीने वो इस्तीफा दे देंगे और दोबारा कभी राजनीति नहीं करेंगे। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।